यार एक है चचा नीतीश कुमार और दूसरे हैं उनके लिए एक समय जो करते थे प्रचार प्रशांत किशोर। कैमरे के पीछे मिल लेते हैं, फोन पर दोनों आपस में बतिया लेते हैं और खूब गलबहियां भी होती है, लेकिन मीडिया के कैमरे पर तू तू मैं शुरू हो जाता है। जानी दुश्मन बने फिरते हैं जमाने के सामने। नीतीश कुमार ने एक बार कहा था कि पीके कुछ भी बोलते रहते हैं, उन्हें राजनीतिक समझ ही नहीं है। इन्होंने मुझे जेडीयू को कांग्रेस में मर्ज करने का सलाह दिया था। सुनिए जरा नीतीश कुमार ने क्या कहा। ना गलत बोलता, वैसे ही बोलते रहता, सुन लीजिए, कुछ नहीं है, उनको जो मर्जी बोलते रहे, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। और एक बात तो अच्छी तरह जान ही न गए हैं भाई, हम तो दिल्ली में भी अब पटना में भी करा दिए, कह दिए है एक बार, हम क्या रोज रोज बोले। वो मेरे साथ रहता था, मेरे घर में रहता था, क्या हम बोले। अब जिसको जहाँ जाना है अब जाना है, एक बार बीच में वो बोलता है, हमको बीच में आकर के कह रहा था कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दीजिए। हमके भला हम कांग्रेस पार्टी में मर्ज करेंगे, बहुत पहले, आज से चार साल पहले आकर के कह रहा था। खैर इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं ना है, आजकल फिर अपना जहाँ गया है बीजेपी में तो उसी के हिसाब से कर रहा है। हम नहीं बुलाए थे, अपने आया था मिलने। अब नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर की राजनीतिक समझ पर सवाल उठा दिया। वो प्रशांत किशोर जिन्होंने कभी नीतीश कुमार के लिए काम किया था, वो प्रशांत किशोर जिसने ये लाइन दी थी कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। ये लाइन इतनी चली कि पटना की सड़कों पर पोस्टर लग गए यही लाइन लिखकर। नीतीश कुमार सत्ता में वापस आए, नीतीश कुमार भले ही अब आरजेडी के साथ हैं, लेकिन आप ही बताइए भाई, पुराना दिन भूलना अच्छी बात है क्या? जिसने चुनाव जीतने में आपकी मदद की, आप उसी की राजनीतिक समझ पर सवाल उठा रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है ना। खैर चचा ने जो राजनीतिक समझ पर सवाल उठाया है ना, ये वाली बात प्रशांत किशोर को चुभ भी गई। प्रशांत किशोर ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि चचा की संगत खराब है। संगत किसके साथ है आप जानते हैं, आरजेडी के साथ, बता भी दे रहे हैं। खैर प्रशांत ने आगे कहा कि संगत खराब है, उम्र भी हो गई है, इसलिए बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन मुंह से कुछ और निकल जाता है। सुनिए, नीतीश जी पर अब धीरे धीरे उम्र का असर दिखने लगा है, उनके वक्तव्यों में, उनके कार्यकलापों में, वो बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ जाते हैं। अब आप ही देखिए, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूँ, और उसी के साथ ये भी कह दिया कि मैंने उनको कहा कि आप कांग्रेस में अपने दल का विलय कर दें। दोनों बात तो कैसे संभव है? अगर मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूँ तो मैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्यों कहूँगा कि जदयू कांग्रेस में मर्ज कर जाए? और अगर दूसरी बात सही है तो पहली बात सही नहीं होगी। तो ये उम्र का असर है, अंग्रेजी में वर्ड जो है थोड़ा डिल्यूजनल हो गए हैं, घबराहट भी है और कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे अकेले पड़ गए हैं, ऐसे लोगों से घिर गए हैं जिन पर उनका खुद का विश्वास नहीं है, इसी घबराहट में कुछ से कुछ बोल दे रहे हैं। तो उम्र का असर है और अकेले पड़ जाने की जो घबराहट है, इस वजह से कुछ बोल रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर आपस में बयानबाजी खेल रहे हैं, पहले भी खेल चुके हैं। अब आज के बयान के बाद ललन सिंह भी मैदान में आ गए हैं। ललन सिंह ने कहा है कि पीके तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग धंधा करते हैं, पीके उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, हमने मना कर दिया था, और ये जो बात कहा इन्होंने कांग्रेस में मर्ज करने वाली, ये सही बात है, सही में इन्होंने ऐसा सलाह दिया था। खैर प्रशांत किशोर इस समय बिहार में जन सुराज यात्रा पर हैं, अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, ऐसे में नीतीश कुमार के साथ लड़ाई से उनको बढ़िया कवरेज मिल जा रहा है, टीवी पे दिख रहे हैं। आपको ये भी बता दे कि 13 सितंबर को पटना में नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर प्रशांत किशोर मिलने पहुंचे थे, दोनों के बीच करीब 2.5 घंटे तक मीटिंग चली थी, मीटिंग का एजेंडा क्या था ये अब तक पता नहीं चल पाया है, सीक्रेट है समझ लीजिए। कि मुलाकात के बाद पीके ने दिनकर की कविता ट्वीट किया, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा आने वाली मानवता को, लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। इस मीटिंग के बाद प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार एक दूसरे को खूब कोस रहे हैं। नीतीश कुमार तो ये भी कह रहे हैं पीके को बुलाया थोड़ी था, वो खुद ही चला आया था। कैमरे के पीछे प्यार और कैमरे के सामने तकरार, अब आप इस पर क्या सोच रहे हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।